नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। सूखी पत्तियों और मूंगफली के छिलकों को या तो डस्टबिन में फेंक दिया जाता है या उनको इकट्ठा करके आग लगा दी जाती है, जबकि गार्डनिंग में इनका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्मी में फूल व फल देने वाले पेड़ पौधों के लिए सर्दी का मौसम डॉर्मेंसी पीरियड होता है, यानी पेड़ पौधे एक तरह से शीत निद्रा में चले जाते हैं। ये पौधे ज़्यादा सर्दी की वजह से ना मरें, इसके लिए कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। उनमें से एक है मल्चिंग। आप में से कुछ लोग मल्चिंग के बारे में जानते भी होंगे। बगीचे में या गमले में लगे पेड़ पौधों की मिट्टी को चारों तरफ से सूखी पत्तियों से ढकने को मल्चिंग कहते हैं। तो सर्दियों में जो पत्तियां पीली होकर या सूखकर गिर रही हैं उन्हें ना फेंकें, उनसे आप गमले की मल्चिंग कर सकते हैं। अब अगर आपके पास सूखी पत्तियां नहीं हैं, तो सर्दियों में मूंगफली तो सबके घरों में आती ही है। आप सूखी पत्तियों की जगह मूंगफली के छिलकों का भी इस्तेमाल मल्चिंग के लिए कर सकते हैं। मल्चिंग से गमले में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बनता है। मल्चिंग पौधों की जड़ों को सर्दियों में पाले से बचाती है, क्योंकि ये मल्चिंग हीट इंसुलेटर यानी ऊष्मा के कुचालक की तरह काम करती है, जिससे रात के समय जब ज़्यादा ठंड पड़ती है उस समय मल्चिंग की वजह से गमले की गर्मी उसके अंदर ही रहती है और बाहर नहीं निकल पाती, जिससे ठंड में भी गमले का तापमान सामान्य बना रहता है और ठंड की वजह से पौधों की जड़ों को नुकसान नहीं होता। साथ ही मल्चिंग से गमले में और बगीचे में घास या खरपतवार को भी उगने से रोका जा सकता है। 2 से 3 महीने बाद ये मल्चिंग डिकम्पोज होकर खाद में बदल जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम व अन्य कार्बनिक पदार्थ भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी मल्चिंग के बारे में। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।